हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फ्रॉम माय किचन से। आपने बहुत तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ये पराठा कभी नहीं खाया होगा। ये सहजन के पौधे के पत्तों का पराठा है। इस पौधे को ड्रमस्टिक भी कहते हैं। इस प्लांट के जितने फ़ायदे गिनाऊं उतने कम हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स भरपूर मात्रा में हैं। इसकी पत्तियों को मोरिंगा लीव्स भी कहते हैं। साथ ही में एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और देखें इसे कैसे बनाते हैं। मैंने 2 कप इसकी पत्तियां ली हैं, उसको अच्छे से मैंने धो लिया है और इसमें से कई पीले पत्ते हैं, 2-4 वो निकाल दिए हैं मैंने, और इसको थोड़ा ड्राई करने के लिए रखा है ताकि इसमें से पानी निकल जाए। डंडियाँ इसकी बहुत बारीक बारीक हैं जो चल जाएंगी पराठे में। इसकी पत्तियाँ हेयर फॉल को भी रोकती हैं और ब्लड शुगर भी कंट्रोल करती हैं। इसकी पत्तियों को मैंने थोड़ा पानी डाल के पीस लिया है। आप इसको रफली या फाइनली पीस सकते हैं। अब आटा तैयार करते हैं। आटे में मैंने कटा हुआ प्याज डाल दिया है। पत्तियों को ग्राइंड करते समय मैंने कसूरी मेथी, हरा धनिया ऐड कर दिया है। साथ ही में मैंने इसमें नमक, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च डाल दी है, और जो पत्ते मैंने ग्राइंड किए हैं उसमें मैंने हरी मिर्च भी पीस दी है, और आटे में मैंने ये थोड़ा मोइन डाल दिया है घी का। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब आटे को मैंने इसी मोरिंगा लीव्स की प्यूरे के साथ डो इसका बना लिया है, इसको बाइंड कर लिया है। इसको पहले मैंने चम्मच से किया है, फिर बाद में हाथों से इसको मैं डो इसका बना लूँगी। डो मीडियम रखना है, ना बहुत सॉफ्ट ना बहुत हार्ड, और इसको कुछ देर के लिए रख दें फ्रिज में 10-15 मिनट तक। अब इसको मैंने बेल लिया है, इसी पराठे को बेल लिया है। इसका बहुत ही यूनिक टेस्ट है, जैसे मेथी का पराठा खाते हैं, पालक का खाते हैं, सेम ऐसा ही इसका बना सकते हैं। आप इसके पत्तों को डायरेक्ट भी कटिंग करके, चॉप करके इसमें स्टफ पराठा बना सकते हैं। मैंने इसको प्यूरे बना के इसका डो बनाया है। ऊपर से आप चाहे घी लगाएं या ना लगाएं, वो आपकी चॉइस है। मैंने इसमें थोड़ा ऑयल लगा दिया है। अच्छे से इसको सेक लें, कड़क करना है कड़क करें। इसको चाहे दही के साथ खाएं या चाय के साथ खाएं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। ये आप अगर वेट लॉस के लिए खाना है तो आप इसमें घी उस हिसाब से लगाएं जितना आपको चाहिए। आप थोड़े से ड्रॉप्स लगा सकते हैं घी के। ये पत्तियाँ इम्यूनिटी बूस्टर हैं और साथ ही में वेट लॉस के लिए भी ये आप खा सकते हैं। इसका जूस बना के ले सकते हैं या इसको ऐसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम मोरिंगा ऑलिफेरा है। इन मोरिंगा लीव्स में आप पनीर भी मिक्स कर सकते हैं और चॉप्ड लीव्स डाल सकते हैं, साथ में अनियन चॉप्ड भी ऐड कर सकते हैं, तब भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट करें और अपने सुझाव दें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमसे जुड़े रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। गुड बाय, थैंक यू।